अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम मोर। कौन बोला? यहाँ भला बिल्ली कहाँ से आई? मैं हूँ वो बिल्ली जिसको तुम ढूंढ रहे हो। दीदी आप? मैंने पूछा म्याऊं और मैं आ गई। क्या पूछा दीदी? मैंने पूछा म्याऊं यानी मैं आऊं। ये किसकी आवाज है? भाई तुम्हारे सवाल का जवाब है इस पहेली में। कौन सी पहेली दीदी? तो सुनो पहेली। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये उसी पक्षी की आवाज है, बूझो तो जाने। दीदी एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, अब बताओ वो है कौन? मैं तो इतना जानती हूँ कि ये आवाज तोते या कौए की नहीं है। हाँ दीदी मुझे तो ये मोर की आवाज लगती है। शाबाश। अरे बिल्कुल ठीक बोला टिंकू। बच्चों ये मोर की आवाज है। अच्छा ये बताओ तुमने कभी मोर देखा है? दीदी मैंने अपनी नानी के घर में देखा है। अच्छा उसकी लंबी और नीली गर्दन होती है। अरे हाँ दीदी उसके सिर पर एक फूल भी होता है। हाँ। बिल्कुल ठीक। उस फूल को हम मुकुट यानी ताज या कलगी भी कहते हैं। और जानते हो बच्चों एक और मजेदार बात है मोर की। वो क्या है दीदी? बताइए ना। बताती हूँ। मोर के पंख भी लंबे और बहुत सुंदर होते हैं। मोर के इन्हीं पंखों से बनते हैं सुंदर मोरछल। मोरछल क्या होता है दीदी? मोरछल है मोर की पूंछ के पंखों या परों को इकट्ठा बांधकर बनाया हुआ पंखा। अच्छा। ओहो, मोरछल यानी मोर के पंखों को इकट्ठा बांधकर बनाया हुआ पंखा। हाँ समझी। अब मुझे ये बताओ कि प्यारा प्यारा सुंदर मोर खाता क्या है? दीदी दाना खाता है। दीदी मोर अनाज खाता है। बिल्कुल ठीक बच्चों। मोर अनाज के अलावा कीड़े मकोड़े भी खाता है। अच्छा दीदी कीड़े मकोड़े? हाँ। और एक और मजेदार बात तो ये है कि मोर छोटी मोटी छिपकलियाँ और सांप को भी खा जाता है। अरे बाप रे सांप भी खा जाता है मोर? मोर को सांप से डर नहीं लगता दीदी? अच्छी कैसे डरेगा, मोर को तो सांप का दुश्मन माना जाता है। वो कैसे दीदी? बताती हूँ, तो आओ सुनो ये कहानी। हाँ दीदी कहानी सुनाइए। सुनाती हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अच्छा। एक सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया भी उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। लेकिन बच्चों उसी पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था एक लंबा काला सांप। जब भी चिड़िया अंडे देती और उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते तो वो सांप पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों को खा जाता था। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। उसने ये बात अपने सभी मित्रों को भी बताई। एक दिन सभी पक्षी मिलकर मोर के पास गए। काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे और वर्षा होने वाली थी। सभी पक्षी जब मोर के पास गए तो क्या देखते हैं कि मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाच रहा है। सभी पक्षियों को एक साथ वहां देखकर मोर ने नाचना बंद कर दिया। अच्छा। और उनके पास आया।
सभी पक्षियों ने जब उसे अपनी समस्या बताई तो वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया। वो सभी पक्षियों के साथ चल पड़ा उसी बरगद के पेड़ की ओर। सभी उस पेड़ के पास पहुंचे। मोर उस पेड़ में बने घोंसले के पास छिपकर बैठ गया। अच्छा? अचानक एक आवाज सुनाई दी। दीदी, किसकी आवाज थी? ये आवाज थी सांप की। सभी ने देखा कि वही काला सांप अपने बिल से निकला। सब बिल्कुल शांत थे, एकदम चुपचाप। वो सांप अब धीरे धीरे रेंगते हुए घोंसले की ओर बढ़ने लगा। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। अब सांप घोंसले के बिल्कुल पास आ गया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि घोंसले के बिल्कुल पास पत्तों में मोर भी छुपा बैठा है। जैसे ही सांप ने चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, मोर ने आवाज लगाई और उस पर झपट्टा मारा। अपनी तेज चोंच से मोर ने सांप पर हमला कर दिया। सांप भी फुफकारा। क्या हुआ दीदी? सांप बिल्कुल थक गया था। सभी पक्षी खुशी से शोर मचाने लगे। अब सांप समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है। वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। उसने कहा कि अब वो चिड़िया के बच्चों को नहीं मारेगा। मोर ने सभी पक्षियों से पूछा। सभी पक्षियों ने कहा इसे एक मौका और देना चाहिए। तब मोर ने सांप को छोड़ दिया और ये समझा दिया कि अगर वो दोबारा ऐसा काम करता हुआ पकड़ा गया तो वो सांप को मारकर खा जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजेदार थी। दीदी दीदी, एक बात बताइए। बोलो। क्या हम मोर को पालतू बना सकते हैं? हाँ, इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। यदि तुम भी मोर को प्यार करोगे, उसे दाना दोगे, उसके साथ खेलोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अच्छा? और तुम जब भी उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। उसे कैसे बुलाएंगे? हाँ दीदी, उसे कैसे बुलाएंगे? कुछ इस तरह से। प्यारे प्यारे मोर जी, गिरी घटा घन घोर जी। प्यारे प्यारे मोर जी, गिरी घटा घन घोर जी। आंगन में आ जाओ ना, अपना नाच दिखाओ ना। आंगन में आ जाओ ना, अपना नाच दिखाओ ना। खूब मचाओ शोर जी, प्यारे प्यारे मोर जी। आंगन में आ जाओ ना, अपना नाच दिखाओ ना। प्यारे प्यारे मोर जी, गिरी घटा घन घोर जी। मोर। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख BR नागर, कलाकार हर्ष बाला और बच्चे, संगीत राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।